Hello viewers, today I am going to tell you 12 tips to make a clickable YouTube video thumbnail. Thumbnail ही सब कुछ है जिस पे क्लिक होता है, इसलिए हमें इस पे बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए. Have you tried everything and yet your video doesn't gain and hold attention? सब कुछ कर लिया लेकिन कोई देखता ही नहीं वीडियो, ना ही उस पे व्यू इंक्रीज होते. क्यों? क्या कभी कोशिश किया कि थंबनेल को बदले? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ऐसा कहा जाता है, लेकिन यूट्यूब में ऐसा नहीं है, सब कुछ कवर ही है. अगर थंबनेल अच्छा नहीं तो कोई भी नहीं देखता. डू यू एक्सपेक्ट टू सी ग्रोइंग इंटरेस्ट इन योर वीडियो? अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियो पे लोगों का इंटरेस्ट आए और काफी अटेंशन मिले, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे 90% of the best performing video have a custom thumbnail. जिनको व्यू मिलता है उनके 90% thumbnail customized होती है. If you want your video to go viral, you have to make a short, include an effective custom thumbnail because thumbnails are as important as video title. जहाँ आपकी वीडियो टाइटल इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे ही थंबनेल भी वीडियो को वायरल करने के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है. तो आज हम आपको 12 टिप्स बताते हैं जिसके थ्रू आप थंबनेल को अच्छा बना सकते हैं. बूस्ट व्यू विथ हाई क्वालिटी थंबनेल इमेज. अब क्या है, उसकी हाई क्वालिटी इमेज जब होगी तो अट्रैक्टिव होगी, ब्लर्ड नहीं होगी. अब ब्लर्ड क्यों जाती है इमेज? क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर इमेज डिफरेंट ढंग से दिखती है. जैसे टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल पे आपकी इमेज डिफरेंट दिखती है, जिसकी वजह से आपका थंबनेल दिखता नहीं और लोग उसको क्लिक नहीं करते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको थंबनेल की जो साइज यूट्यूब ने दे रखी है वही लेनी पड़ेगी, और जो पिक्चर वो एक्सेप्ट करता है वही लगानी पड़ेगी, जैसे JPG, GIF, BMP और PNG. ये सारी पिक्चर्स PNG जिसमें ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होती है और लो वेट की होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी अपलोड हो जाती है. और थंबनेल की साइज 1280x720 पिक्सल लेते हैं जो थंबनेल की साइज है, लेकिन मिनिमम साइज उसकी 640x360 पिक्सल है. उसका एस्पेक्ट रेशियो 16:9 और जो शॉर्ट वीडियो है उसका साइज 9:16 है. फाइल साइज मैक्सिमम 2 MB से बड़ी थंबनेल की साइज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होती है. और वीडियो की लेंथ तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, उसको आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है. तो थंबनेल हर डिवाइस पे सही दिखे, कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल पे, तो आपका क्लिकेबल थंबनेल होता है. जो लोग कंप्यूटर पे थंबनेल बनाते हैं उस पे बहुत अच्छा वो दिखता है, लेकिन वो मोबाइल पे जाकर के बिल्कुल बेकार हो जाता है. जो प्रॉब्लम हमने भी फेस की, तो आप लोग मत फेस करिएगा. कंप्यूटर पे जो थंबनेल बनता है उसके फॉन्ट मोबाइल पे जाके बहुत छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से थंबनेल दिखता नहीं. तो हमेशा आप थंबनेल मोबाइल के हिसाब से बनाइए, तो वो हर उस पर सही दिखेगा. यूज क्लोजअप. क्लोजअप शॉट्स आर मोर पावरफुल फॉर वीडियो थंबनेल इमेज देन वाइड शॉट. डू यू नो व्हाई? क्यों क्लोजअप जरूरी है? क्लोजअप जो होता है वो मोबाइल के फुल स्क्रीन पे दिखाई देता है. हमने ऐसा बताया था आपको, 1:1 एस्पेक्ट रेशियो जब होता है तो वो फुल स्क्रीन पे मोबाइल का दिखाई देता है. तो हम लोग को ये ध्यान देना कि थंबनेल मोबाइल के हिसाब से दिखे. जो लोग मोबाइल पे काम नहीं करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि थंबनेल मोबाइल के हिसाब से बनाए, तो उनको प्रॉब्लम होती है. Because your thumbnail image display very small on a smartphone, it will be harder to grasp the detail if the image is wide shot of scene. So this might make a viewer skip without putting effort to make out a content. Close-up shot instead are easier to know. क्या होता है, जो viewers होते हैं आपके
थंबनेल को देख के ही स्किप कर जाते हैं और आपका वीडियो नहीं खोलते। तो आप अगर क्लोजअप लीजिएगा तो बड़ा दिखेगा और पूरे फुल स्क्रीन पे मोबाइल के दिखेगा। डिस्प्ले अ फेस इन योर थंबनेल। अब अपने थंबनेल पे अपना फेस जरूर लगाएं, जिससे वो आदमी फैमिलियर होता है कि किस आदमी और आपसे रिलेशन बिल्ड हो जाता है, वो समझता है कि ये किस यूट्यूबर का वीडियो है। चूज एन इमेज दैट कन्वेज इमोशन, और उसमें आप अपने इमोशंस भी डालिए। स्ट्रॉन्ग इमोशन हेल्प आवर केस इन क्लिकिंग ऑन वीडियो, सो वंस यू हिंट दैट देयर इज समथिंग शॉकिंग अबाउट द कंटेंट, वी आर मोर लाइकली टू क्लिक। अब आपने शॉकिंग कोई न्यूज है तो शॉकिंग फेस बनाकर जब आप डालिएगा, या खुशी की बात है तो खुशी का फेस बनाकर डालिएगा, या दुखी होने की बात है तो दुख वाला फेस डालिएगा, तो आदमी समझ जाएगा कि इस वीडियो में क्या है। एक्शन शॉट विल मेक पीपल आस्क व्हाट हैपनिंग देयर, द फेस में डिपिक्ट एन एक्सप्रेशन लाइक अ पर्सन इज अबाउट टू सेइंग समथिंग, सो द व्यूअर्स कांट फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू टेल यू अनलेस दे क्लिक टू व्यू। और आप विदाउट एक्सप्रेशन के जब थंबनेल बनाते हैं तो आदमी को ये नहीं पता रहता है कि आपके वीडियो के अंदर क्या है। जैसे इस वाले में देखिए, इन्होंने टेक न्यूज दी है, 500 करोड़ MI 11 अल्ट्रा, बैड न्यूज करके दे, बैड न्यूज फॉर पबजी पोको गेमिंग फोन। इन्होंने बताया कि क्या बैड न्यूज है। यूज कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ऐसा कलर यूज करिए जो दिखे। ऐसे देखिए, रेड पे वाइट दे रहा है या येलो दे रहा तो दिखेगा, ब्लैक पे येलो देगा या वाइट देगा तो दिखेगा। और अगर ऐसा कलर आप लगाते हैं जो दिखे ही ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा और अच्छा लोगो नहीं बनेगा। कंट्रास्टिंग कलर मेक योर इमेज स्टैंड आउट, दीज आर द कलर दैट ऑपोजिट वन अटेंड अनदर ऑन द कलर व्हील। अब कलर व्हील क्या होती है, इसमें जो कलर्स होते हैं वो इस तरह से रहते हैं, जिसमें ह्यू टिंट टोन और शेड चार टाइप होता है। तो प्योर कलर जो होता है वो ह्यू होता है, टिंट जिसमें वाइट मिला होता है, टोन जिसमें वाइट एंड ब्लैक मिला होता है, और शेड जिसमें ह्यू प्लस ब्लैक मिला होता है। तो इस तरह के कलर होते हैं। तो कंट्रास्ट कलर क्या हुआ आपका, येलो के साथ बैगनी, रेड के साथ ग्रीन, इस तरह से करके ब्लू के साथ येलो, इस तरह से। और वाइट अगर आप लेते हैं तो सबसे अच्छा डार्क पे वाइट आता है, या ब्लैक पे येलो या वाइट आता है। वेरी ऑफन थंबनेल कंबाइन द ग्रीन बैकग्राउंड विथ रेड फोरग्राउंड और येलो विथ पर्पल, इट मेक इट इजियर टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द यूजर्स, प्लेसिंग एनालॉगस कलर नेक्स्ट टू ईच अदर मेक अ थंबनेल मोर प्लीजिंग टू द आई। अगर आपस के कलर यूज करते हैं आप तो वो प्लीजिंग थंबनेल बनता है, लेकिन अगर आपको क्लिकिंग बनाना है तो कंट्रास्ट कलर यूज करिएगा तो वो ज्यादा दिखेगा। हैव यू एवर वंडर व्हाई आर स्कूल बस टैक्सी और कॉशन साइन येलो। आपने कभी ये सोचा है कि बस क्यों येलो होती है स्कूल की? वेल इट्स सिंपल, पीपल जस्ट हैव अ ग्रेटेस्ट इनसेंसिटिविटी टू येलो कलर। स्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकली द थंबनेल दैट यूज येलो डू मच बेटर देन अदर, सो इट इज हाईली रिकमेंडेड टू यूज अ येलो इन योर थंबनेल। येलो कलर सबसे अच्छा दिखता है थंबनेल पे, तो आपको रिकमेंड हम करते हैं कि वो येलो कलर यूज कीजिए। इम्प्लीमेंट द रूल ऑफ थर्ड्स। Now for the thumbnail, it is recommended to fill up at least 2/3 of image with the main subject. अब main subject का क्या है? Make thumbnail that rank. हमने एक ये बनाया, मान लीजिए thumbnail, तो इसने main subject को ज़्यादा दिखाए बनस्पत आपकी photo और subscribe को, तो वो ज़्यादा समझेगा और words भी 6-7 words से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। Thumbnail text. You should use a focused word to communicate the message. They try not to have more than 6 words, otherwise the text will use too much space. अब 5-6 words से ज़्यादा अगर आप use करते हैं तो बहुत अधिक space लग जाती है, जबकि वो कह रहा कि 2/3 जो है आप text के लिए use करिए। तो text के different font होते हैं, यहाँ हमने different font दे रखा है आपको। अब जैसे ये है, ये स्क्रिप्ट फॉन्ट है, तो ये हर जगह अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये दिखेगा ही नहीं मोबाइल पे। तो आप हमेशा बोल्ड वाले बड़े वाले फॉन्ट यूज करिए जो मोबाइल पे भी दिखे। जो गलती हमने की आप लोग नहीं करिएगा, क्योंकि उसमें
बिल्कुल वो दिखता ही नहीं है। चूज रीडेबल फॉन्ट। अब कौन कौन से फॉन्ट रीडेबल होते हैं, जिसमें सैंस सेरिफ फॉन्ट कम्युनिकेट अ मॉडर्न क्लीन बिजनेस लाइक एटीट्यूड। सेरिफ फॉन्ट कम्युनिकेट द ट्रेडिशनल सिंपल फॉर्मेट स्टाइल ऑफ स्टेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी। स्क्रिप्ट फॉन्ट कम्युनिकेट एलिगेंस एंड सोफिस्टिकेशन। तो डिफरेंट फॉन्ट डिफरेंट चीज़ों को शो करते हैं, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए और उसको यूज़ करके आप अपने फॉन्ट को अच्छा यूज़ कर सकते हैं। चेक टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड फॉर अ कलर कंट्रास्ट। ऐसा कलर टेक्स्ट के साथ यूज़ कीजिए जो विजिबल हो, जैसे ब्लैक पे येलो अच्छा दिख रहा है, ग्रीन पे ब्लैक अच्छा दिख रहा है, रेड पे वाइट येलो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अच्छा दिखेगा, येलो या वाइट ब्लू पे भी अच्छा लगेगा। ओवरले कलर शुड बी ट्रांसपेरेंट इनफ फॉर व्यूअर्स टू सी द इमेज बट नॉट सो ट्रांसपेरेंट बिकॉज द व्यूअर कैनॉट रीड द टेक्स्ट दैट वे। सी एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस ओवरले पिलो। There has to be a contrast between background color and text color. So find a contrasting pair of color. But don't just put any contrasting color together such as red and blue, because sometimes they might not work that well together. लेकिन contrast color red और blue या बहुत से ऐसे color जो contrast होते हैं लेकिन अच्छा काम नहीं करते हैं, तो आप उसको practice करिए, रिसर्च करिए और फाइंड आउट करिए कि किस पे कौन सा कलर अच्छा लगता है, उसी को यूज़ करिए जो विजिबल हो स्पेशली इन मोबाइल। फीचर योर ब्रांडिंग विजुअली आइडेंटिटी, विजुअल आइडेंटिटी वी कंसिस्ट विद द डिज़ाइन ऑफ योर वीडियो थंबनेल। दिस विल हेल्प पीपल रिकॉग्नाइज अ फैमिलियर लुक। वंस दे स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग योर वीडियो इट इज़ मोर लाइकली दैट दे विल क्लिक टू ब्रांड। अब एक जैसा ट्रेंड में अगर आप अपना वीडियो बनाते हैं तो वो समझ जाता है कि ये किसका वीडियो। जैसे आपने ब्रांडिंग कर रखा हो, एलिमेंट्स सच एज लोगो बना रखा हो, ब्रांडिंग कर रहा हो, हमने अपना फोटो डाल रखा है ब्रांडिंग में, सेट ऑफ फॉन्ट एक टाइप का फॉन्ट आप यूज़ करते हो, कलर ऑफ ओवरले एंड स्कीम अगर येलो ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो हमेशा वही यूज़ करिए तो वो जल्दी पिकअप करेगा कि ये आप ही का वीडियो है। स्टाइल ऑफ इमोजी एंड फेसेस, अब इमोजी यूज़ किया या फेस यूज़ किया है तो क्या यूज़ करते हैं वो आपको उससे पहचानेगा। कीप इन माइंड दैट वॉट एवर स्टाइल यू चूज यू हैव टू स्टिक इट टू इट सो दैट पीपल कैन टेल विच थंबनेल आर अ पार्ट ऑफ द सेम प्रोजेक्ट। तो वो आपके वीडियो को जल्दी पहचानेगा और जल्दी क्लिक करेगा। शो एंड रिजल्ट, आप हमेशा थंबनेल में एंड रिजल्ट दिखाइए, जैसे इसमें हमने दिखाया है। समटाइम इट्स वेरी इफेक्टिव टू पुट एंड रिजल्ट ऑफ द वीडियो। जैसे हमने ये दिखाया है कि रिमूव पिक्चर बैकग्राउंड, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया और येलो आ गया। अब यहाँ पे चेंज पिक्चर बैकग्राउंड, तो बच्चे के पीछे का वाइट जो है वो चेंज होकर के सीनरी आ गई, और वीडियो का बैकग्राउंड भी चेंज किया हमने। तो इस वीडियो में हमारी तीन चीज़ें दिखाई गई हैं जो इस थंबनेल से पता लगती है, हाउ टू रिमूव और चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर एंड वीडियो, कैसे पिक्चर और वीडियो का बैकग्राउंड चेंज किया। ऐड ग्राफिक एलिमेंट, अब अपने वीडियो में आप ग्राफिक एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे 59 एप्स के रिप्लेसमेंट की पूरी लिस्ट देखी हमने डाला इसमें वोकल फॉर लोकल। अब इसमें कौन कौन से चेंज हो गए और इंडिया का कौन सा है और चाइना का कौन सा था, ये सारे हटा दिए गए वो हमने दिखाया है। और इमोजी यूज़ किया, कॉन्ग्रेचुलेशन किया, अपना फोटो डाल दिया। मेक श्योर टू फिल योर इमेज विद ग्राफिक एलिमेंट इन द स्टाइल ऑफ योर वीडियो, अदरवाइज यू विल नीड टू एडिट योर वीडियो एंड चेंज द स्टाइल अकॉर्डिंगली। दिस इज अ गुड ऑप्शन स्पेशली फॉर द ट्यूटोरियल और अ टॉक शो टाइप ऑफ वीडियो दैट कैन इंक्लूड पीपल एज वेल एज सम अदर ऑक्सिलरी ग्राफिक एलिमेंट। तो आपने जो ये जैसे ये सब डाला तो उसको पता लग गया डायरेक्ट कि ये सारे चीज़ें हट गई और इंडिया की चीज़, ये अग्नि अग्नि सब इंडिया का है, ये सब इंडिया का आ गया और चाइना का हट गया, उनकी जगह पर इंडियन एप्स आ गए। हैव अ स्टिकर इफेक्ट फॉर द मेन सब्जेक्ट, अब उसमें स्टिकर इफेक्ट क्या है, जैसे आप मोबाइल से थंबनेल बना रहे हैं तो मोबाइल का फोटो लेकर के आप अपने में थंबनेल और आईफोन दे दिया, तो बस इसको देखने से समझ में आ गया कि ये मोबाइल से वो थंबनेल
बना रहा है, तो ऐसा वो लगाइए स्टिकर की वो समझ में आए। अवॉइड गिविंग एनी मिसलीडिंग कंटेंट। अब आपने क्लिक बेट किया और उसमें क्या किया, अपने फोटो की जगह किसी बड़े यूट्यूबर की फोटो लगा दी, तो आदमी तो उसको खोलेगा, उसको समझ के खोलेगा, लेकिन आपका वीडियो निकलेगा तो हो सकता है वो आपका वीडियो पढ़े ही ना, एंड अ रिजल्ट यूट्यूब माइट स्टॉप शोइंग योर वीडियो इन सर्च रिजल्ट, और हो सकता है कि वो आपका वीडियो देखे ही ना। तो क्लिक बेट ऐसा ना करिए कि व्यूअर्स आपका थंबनेल क्लिक ही ना करे। कंक्लूजन, थिंक ऑफ योर थंबनेल एज अ टीजर फॉर योर वीडियो, डोंट रिवील एवरीथिंग बट गिव जस्ट इनफ इंफॉर्मेशन टू एंगेज द व्यूअर सो दैट यू दे वुड वांट टू क्लिक एंड सी व्हाट यू ऑफर। हमेशा सारी चीजें थंबनेल में मत बता दीजिए, कुछ चीजें छुपा के भी रखिए, जिससे कि बाद में बताइए, जिससे कि व्यूअर का इंटरेस्ट बना रहे और वो अंत तक आपकी वीडियो को देखे। बट मेक श्योर टू एक्सपेरिमेंट विद दिस टिप्स एज यू विल सी द सक्सेस योर थंबनेल इमेज विल ब्रिंग यू रिंग टू योर वीडियो, योर थंबनेल इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट वन टू रॉक द क्लिक। अगर ये सब चीजें आप करते हैं तो आपके थंबनेल पे क्लिक होगा और लोग आपके थंबनेल को क्लिक करेंगे। मेरे को रोज कमेंट मिलता था आपके थंबनेल पे बहुत लिखा है, आपके थंबनेल अच्छा नहीं है, तो आज हमने इस वीडियो को स्टडी करके बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मेरे को पता लगे कि मैंने ठीक टिप्स दी है कि नहीं और ठीक रिसर्च किया है कि नहीं, इंटरनेट से हमने हेल्प लेकर के पढ़ के बनाया। Thank you viewers, this is all. If you like, please share and subscribe. Thank you.